सनराइजर्स हैदराबाद पूरी तरह से तैयार है आईपीएल का टाइटल दूसरी बार अपने नाम करने के लिए नए कैप्टन एडन मार्करम के साथ। सनराइजर्स हैदराबाद का पूरा स्क्वाड अभी आपके सामने है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद का बेस्ट 11 कैसा नजर आता है। तो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर वन पर है अभिषेक शर्मा। हैदराबाद के लिए ये खेल रहे हैं सिंस 2019 और हैदराबाद का ये पेशेंस काम आया पिछले साल 14 मैचेस में इनके नाम रहे 426 रन। इस सीजन इनके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी होगी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाएं और आने वाले बैटर्स का काम आसान करें। जब बात आती है बॉलिंग की तो ये वहां पर भी टीम के काम आ सकते हैं। 36 मैचेस में इनके नाम है 667 रन, एवरेज है 135.29। नंबर टू पर है मयंक अग्रवाल। आईपीएल 2022 में खराब परफॉर्मेंस की वजह से पंजाब किंग्स ने इन्हें रिलीज किया और हैदराबाद में मौके पे चौका लगाया। इनके पास T20s और आईपीएल का बहुत एक्सपीरियंस है जो कि हैदराबाद के काम आने वाला है। 113 आईपीएल मैचेस में इनके नाम है 2327 रन, स्ट्राइक रेट है 134.27। नंबर थ्री पर है राहुल त्रिपाठी। आईपीएल 2022 में ही वॉज एक्सेप्शनल विद द बैट। 14 मैचेस में इनके नाम थे 413 रन और स्ट्राइक रेट भी कमाल का था। अगर हम कहें कि राहुल त्रिपाठी सनराइजर्स हैदराबाद के मिडिल ऑर्डर की बैकबोन है तो कुछ गलत नहीं होगा। 76 मैचेस में इनके नाम है 1798 रन, स्ट्राइक रेट है 140.79। नंबर फोर पर है कैप्टन एडन मार्करम। रीसेंट फॉर्म जबरदस्त है, पिछले सीजन अपने परफॉर्मेंसेस से सभी को इम्प्रेस किया था। ही इज अ वर्सेटाइल बैटर, आप इनसे कहीं भी बैटिंग करा लो ये हर जगह कंफर्टेबल है। 20 मैचेस में इनके नाम है 527 रन, स्ट्राइक रेट है 134.09। नंबर फाइव पर है हैरी ब्रुक। आईपीएल में ये पहली बार खेलते हुए दिखाई देंगे। 2023 मिनी ऑक्शन में हैदराबाद ने इन अपने स्क्वाड में रखा 13.25 करोड़ में। इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट्स में ही हैज बीन परफॉर्मिंग रियली वेल, तो इस सीजन सभी की नजर टिकी होंगी हैरी ब्रुक पर। नंबर सिक्स पर हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं हैदराबाद के लिए ग्लेन फिलिप्स। T20 वर्ल्ड कप 2022 ये हाईएस्ट रन स्कोरर थे न्यूजीलैंड के लिए। 3 आईपीएल मैचेस में इनके नाम है 26 रन, स्ट्राइक रेट है 78.78 का। नंबर सेवन पर है वॉशिंगटन सुंदर। He has a lot of potential, इन्हें अच्छे से आता है अपनी फिरकी में बड़े से बड़े बैटर को कैसे फंसाना है। एंड चेरी ऑन द केक, इनके पास सॉलिड टेक्निक है, ये टॉप ऑर्डर या फिर मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकते हैं। 51 मैचेस में इनके नाम है 33 विकेट्स, इकॉनमी रेट है 7.22 का और इनके नाम है 318 रन्स। नंबर एट पर है भुवनेश्वर कुमार। ये हैदराबाद की बॉलिंग यूनिट को लीड करते हुए दिखाई देंगे। He has a lot of variations, इन्हें अच्छे से आता है सामने वाली बैटिंग ऑर्डर की बैकबोन को कैसे तोड़ने। 154 विकेट्स हैं इनके नाम 146 मैचेस में, इकॉनमी रेट है 7.30। नंबर 9 पर हैं आदिल राशिद। इस आईपीएल सीजन हमें ये खेलते हुए दिखाई देंगे हैदराबाद की तरफ से। विकेट टेकिंग बॉलर है और हैदराबाद के लिए बोनस पॉइंट ये है कि ये मैच के किसी भी फेज में बॉलिंग कर सकते हैं। अभी तक आईपीएल में एक मैच खेला है और इनके हाथ कोई भी विकेट नहीं लगा। नंबर 10 पर है टी नटराजन। पिछले सीजन 11 मैचेस में इनके नाम रहे थे 18 विकेट्स। इनके पास पेस है, लाइन लेंथ है, सब कुछ है जो एक पेसर के पास होना चाहिए, तो इस सीजन भी ये टीम के लिए एक बड़ा रोल प्ले करेंगे। 35 मैचेस में इनके नाम है 38 विकेट्स, इकॉनमी रेट है 8.64 का। नंबर 11 पर है उमरान मलिक। ये अपनी पेस से बड़े से बड़े बैटर की नाक में दम करना चाहते हैं। आईपीएल 2022 में 14 मैचेस में इनके नाम रहे थे 22 विकेट्स। तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है, ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं T20s में और ODIs में, तो इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो कि काफी काम आएगा इस सीजन। 17 आईपीएल मैचेस में इनके नाम है 24 विकेट्स, इकॉनमी रेट है 8.83 का। तो गाइस ये थे वो 11 खिलाड़ी जिन्होंने हमारी बेस्ट 11 में जगह बनाई। अगर आपको लगता है इस लिस्ट में किसी और प्लेयर का नाम होना चाहिए था तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करने से मत भूलना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी अपडेट्स आए वो आप तक पहुंचे सबसे पहले बिना किसी रुकावट के। टेलीग्राम चैनल पर तो आप होकर आ गए होंगे, नहीं गए तो होकर आओ, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। मैं चलता हूं, मिलूंगा आपसे फिर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।